वैसे तो आजकल की राजनीति में कोई स्वच्छ नीति से राज करता ही नहीं। सभी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, और इसीलिए किसी भी राजनीतिक पार्टी और उससे जुड़े लोगों पर मुझे टिप्पणी करने का जी नहीं करता। लेकिन फिर भी अपने सत्ता की हनक से और अपने रसूख के दम पर जब भी कोई संवैधानिक एवं मानवीय मूल्यों का हनन करने पर उतारू हो जाता है तब बोलना लाजमी हो जाता है। कुछ दिनों पहले यानी कि 11 मार्च को जाप प्रमुख पप्पू यादव जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये कृत्य जितना निंदनीय है उतना ही अशोभनीय भी है। इसने बिहार की सियासत पर एक ऐसा काला धब्बा लगा दिया है, इसे मिटाना, इसे धोना नामुमकिन सा हो गया। और इस कृत्य का जिम्मेवार बस एक व्यक्ति है, इसकी जिम्मेदारी सिर्फ एक व्यक्ति को जाती है, आपको। जी हाँ, आपको, श्री श्री नीतीश कुमार जी, आप। हर राजनीतिक पार्टी और उससे जुड़े लोगों की तरह ही मैं पप्पू यादव का भी कभी समर्थक नहीं रहा, ना ही मेरी उनसे कोई वैचारिक समानता रही। लेकिन उन पर ये जुल्म जिस जुर्म के लिए हो रहा है ना, वो अशोभनीय है, अमानवीय है, ये कहने में मुझे कोई हर्ज नहीं। वैसे यहाँ बात केवल पप्पू यादव की नहीं है, ना ही मैं सिर्फ उनके लिए बोलने आया हूँ, बल्कि मैं उस सोच के खिलाफ बोलने आया हूँ जो अपने खिलाफ उठने वाली हर आवाज को कुचल देना चाहता है। मैं उस सत्ताधारी और उस तानाशाही रवैये पर बोलने आया हूँ जो अपने बेईमान सत्ताधीशों के खिलाफ उठते हुए आवाज को कुचल देना चाहता है। मैं उन तमाम लोगों के लिए बोलने आया हूँ जो दिन रात अपनी जान की परवाह किए बगैर लोगों की सेवा कर रहे हैं, मगर सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए उनको जेल की सलाखों में कैद कर रही है। बाकी अब बात पप्पू यादव की करें तो उनके अपराधों की सजा संविधान तय करेगी, जिसने कभी उनके अपराधों के लिए जेल की सलाखें भी लिखी। लेकिन आज के परिवेश में जब शासन प्रशासन पूरी तरह से विफल है और लोगों में त्राहिमाम का माहौल है, तो उनके द्वारा किए गए कार्य मानवता की मिसाल पेश कर रहे हैं। उनके द्वारा किए गए कार्य इंसान और इंसानियत को जीवित रखे हुए हैं, ऐसा कहना कोई अतिशोक्ति नहीं होगी और ऐसा कहने में कोई हर्ज नहीं। परंतु जिस प्रकार अपने संवैधानिक मूल्यों को ताक पर रखकर अपनी पुलिसिया शक्ति के द्वारा ये जो घिनौना सलूक किया है ना, उसकी जितनी भर्त्सना की जाए कम होगी। आपने मानवीय मूल्यों पर जो चोट की है ना, उसकी चोट भारतीय लोकतंत्र को लगी है, उसकी चोट भारतीय संस्कृति को लगी है, जिसने सेवा करने वालों को सबसे ऊपर रखा था। परंतु अफसोस, वैसे तो हम ज्यादा नहीं बोलेंगे, क्योंकि ज्यादा बोलेंगे तो ज्यादा बोल जाएंगे और फिर आप हम पर नए का कानून के तहत कार्रवाई कर दीजिएगा। इसीलिए नीतीश कुमार जी, जी नीतीश कुमार जी, आपने अपने कृत्यों से संविधान को जो छलनी किया है ना, उसके लिए हमारा और पूरे बिहार का लानत स्वीकार कीजिए और थोड़ा शर्म कीजिए। और अगर अपने कर्म पर शर्म आ जाए तो पप्पू यादव भी जैसे लोगों को छोड़ दीजिए, ताकि वो जेल से बाहर आकर उन लोगों की मदद कर पाए जहां आपका शासन, आपका प्रशासन, आप पहुंचने में विफल रह चुके हैं। क्योंकि वो बाहर आएंगे तो लोगों को खाना मिलेगा, पानी मिलेगा, एक उम्मीद मिलेगी, जिसे आपने और आपकी सरकार ने आज छीन लिया। और चलते चलते फिर से एक बार, हे मुख्यमंत्री महोदय जी, हमारा लानत भरा प्रणाम स्वीकार करिए।